ओके सो गाइज, हमने इस फोटो को गैलरी के अंदर से सेलेक्ट कर लिया। देन इस फोटो को हम सेंड करके ओपन कर लेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो स्नैपसीड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। देन आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको जाना है क्रॉप के अंदर। अगर आपकी फोटो की साइज कहीं ज़्यादा हो या तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो, मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप कर लेने के बाद गाइज अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जाना है आपको ट्यून इमेज के अंदर। ट्यून इमेज के अंदर जाने के बाद यहाँ कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज कर लेंगे एंड यहाँ पे एम्बियंस को लगभग बढ़ा लेंगे 12 या फिर 13 के अराउंड। फिर शेडोज को बढ़ा लेंगे, हाईलाइट्स को कम कर लेंगे एंड शेडोज को सिर्फ 1% ही बढ़ाएंगे। देन यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। अब इस पेंसिल वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से जाना है विंटेज के अंदर एंड यहाँ से आपको 12 नंबर वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेचुरेशन को फिलहाल के लिए बढ़ा रहे हैं एंड स्टाइल स्ट्रेंथ एंड यहाँ पे आपको दिख रहे विग्निट स्ट्रेंथ, इन सबको आप कम या ज़्यादा करके देख सकते हो अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग। बाकी आपको फ़ोटो पे इजीली अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेचुरेशन को हम 3 रख रहे हैं एंड स्टाइल स्ट्रेंथ को लगभग इतना रख रहे हैं। देन यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। अब आपको यहाँ से चलना है एडिट स्टैक वाले ऑप्शन पर। देन यहाँ जाना है व्यू एडिट्स पर। अब यहाँ से विंटेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड देन इस बीच वाले पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करके इन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब गाइज आपको अपने पूरे फेस से एंड पूरे क्लॉथ से इस इफेक्ट को हटाना है। तो कुछ इस तरीके से आप विंटेज जो आपको अमाउंट दिख रहा है इसको जीरो करके कुछ इस तरीके से आपको चला देना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे धीरे धीरे करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप बहुत ही जल्दी से सीख पाओ। तो आप कुछ इस तरीके से आपको पूरे बॉडी पार्ट से मतलब कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। हाँ तो गई, जब भी आप देख पा रहे हो कि हमने इतना काम कर लिया, देन यहाँ से डन कर लेना है। अब गई यहाँ से बैक जाना है, ठीक है। अब गई यहाँ से आपको जाना है, सॉरी गई यहाँ मैं पेंसिल वाले आइकॉन के अंदर आ गया। यहाँ जाना है एडिट स्टैक ऑप्शन के अंदर, देन यहाँ व्यू एडिट्स के अंदर। अब ये विंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ 3 लाइन की जो ऑप्शन दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से सिचुएशन को पूरा ही कम कर लेना है, मतलब पूरा -100 करके यहाँ से डन कर लेना है। अब आप देख पा रहे हो गाइस कि पूरा बैकग्राउंड डार्क हो गया, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, सेलेक्टिव पे क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से आपको अपने फेस को सिलेक्ट करके अपनी फेस पे मतलब ब्राइटनेस डाल लेनी है एंड सेचुरेशन को कम कर लेना है ताकि आपकी फेस जो है वाइट दिखे, मतलब फेस गोरा दिखे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है कर्व्स वाले ऑप्शन के अंदर। देन नीचे वाला आइकॉन आपको दिख रहा है एक नीचे के एक बनी होगी, इसको आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है एंड बीच वाला जो ऑप्शन है इसको आपको लगभग इतना रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। एंड सबसे ऊपर हाईलाइट्स का होता है तो हाईलाइट्स वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा लगभग ऊपर के साइड रखेंगे। देन यहाँ से आपको पेंसिल वाले आइकॉन के अंदर जाना है। अब गाइस यहाँ से आपको जाना होगा वाइट बैलेंस के अंदर। वाइट बैलेंस के अंदर जाने के बाद टेम्परेचर को आपको कम कर लेना है। टेम्परेचर आप जितना आपको कलर चाहिए अपने बैकग्राउंड में उतना आप देख सकते हो, बाकी टिंट को मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो इतना गाइस आपको कर लेना है। टेम्परेचर को लगभग मैंने -40 के अराउंड हम रख रहे हैं, आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी इस एडिट स्टैक वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, व्यू एडिट्स के अंदर, देन वाइट बैलेंस एंड अगेन इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड इन्वर्ट करके अपनी फ़ोटो को सेम वही प्रोसेस करनी है, मतलब आपको पूरे अपनी बॉडी पार्ट से इरेज कर देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे मॉडल दिख रही है वहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, बाकी पूरे बैकग्राउंड में इस इफेक्ट को रहने देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे और आप जल्दी से सीख पाओ। हाँ तो गाइज इतना काम हो गया। देन आपको यहाँ से आप आई वाले ऑप्शन को ऑन या ऑफ करके देख सकते हो, यहाँ से आपको विजिबिलिटी पता चल जाएगी। देन यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइज इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, दोबारा सेलेक्टिव के अंदर जाएंगे एंड फेस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हमें लग रहा है कि फेस कम वाइट है यहाँ पे, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे एंड सेचुरेशन को डिक्रीज कर देंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना फेस पे ब्राइटनेस रखना चाहते हो उतना आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हो, ठीक है। अब बारी है गाइज इस फोटो में ब्लर डालने की। तो फोटो को सिंपली सेंड पे क्लिक कर देंगे एंड आपको इस फोटो को ओपन कर लेना होगा फेस ऐप के अंदर, ठीक है। तो मैं फेस ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ। मैंने फेस ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको इसके एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि फेस ऐप को कैसे यूज करते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप लेंस ब्लर पर क्लिक करना है, आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है
एंड कुछ इस तरीके से आपको ब्लर की अमाउंट बढ़ा देना है। तो जितना आपको अपने बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए वो आप डाल सकते हो। बैकग्राउंड में ब्लर अलग अलग तरीके की है, बोके भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा इफेक्ट है, तो जो आपको अच्छा लगे रख सकते हो। फिलहाल मैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रख रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में हमको जैसा पहले से था हमको वैसा ही चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो जो आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, सब आपके ही हाथ में है। देन गाइज अब आपको इस फोटो को सिंपली सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये फोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गई बिल्कुल ही हाई क्वालिटी में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।